बॉलीवुड और कंट्रोवर्सी का बहुत पुराना रिश्ता है। यहाँ पर पल में स्टार्स दोस्त तो पल में दुश्मन बन जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि स्टार्स ने एक दूसरे पर इतने तीखे कमेंट्स किए कि उसे सालों भुलाया नहीं जा सका। आज हम आपको ऐसा ही सालों पुराना एक किस्सा सुनाने जा रहे हैं, जो कि हिंदी फिल्मी जगत के मशहूर एक्टर और डांसर मिथुन चक्रवर्ती से जुड़ा है। 80 के दशक में बॉलीवुड में डिस्को डांसर से सुपरस्टार बने मिथुन ने अपनी खास पहचान बनाई है। बता दें कि उनको यहां तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। एक वक्त ऐसा भी था जब मिथुन चक्रवर्ती को अपने काले रंग की वजह से खूब ताने सुनने पड़ते थे। अभिनेता से लेकर कई फिल्म निर्माताओं तक ने उनका एक बार नहीं बल्कि कई बार दिल तोड़ा था। कुछ ऐसा ही ताना मिथुन चक्रवर्ती को जितेंद्र ने भी मारा था। बता दें, जिस वक्त मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड में काम पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, सांवले रंग की वजह से कई बार उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। कई बार तो फिल्म मेकर्स मुंह पर कह देते थे कि आपका रंग काला है, आपको फिल्म में हीरो नहीं बना सकते। एक बार ऐसा हुआ कि जब मिथुन काम मांगते हुए फिल्म मेकर मनमोहन देसाई के ऑफिस जा पहुंचे, उस दौरान उस ऑफिस में जितेंद्र भी मौजूद थे। जब उन्हें पता चला कि मिथुन फिल्मों में काम मांगने के लिए आए हैं, तब उन्होंने मिथुन के काले रंग का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि इस काले को अगर फिल्म में हीरो का रोल मिल जाए तो मैं मुंबई छोड़ दूंगा। यही नहीं, मिथुन की ये बात सुनकर फिल्म मेकर मनमोहन देसाई ने काफी लंबे समय तक उनको देखा और फिर उनके हाथों में 10 रुपए थमाते हुए उन्हें वहां से जाने को कहा। इस अपमान से मिथुन चक्रवर्ती बहुत दुखी हुए और वो नीचे गर्दन किए वहां से चले गए। सांवले रंग को लेकर मिथुन का अपमान फिरोज खान ने भी किया था। उस वक्त फिरोज खान कुर्बानी फिल्म बना रहे थे और इस फिल्म के लिए उन्होंने पहले अमिताभ बच्चन को कास्ट करने की सोची थी, लेकिन इस फिल्म को करने से अमिताभ बच्चन ने साफ मना कर दिया था। मिथुन उनसे फिल्म कुर्बानी के लिए काम मांगने गए थे। फिल्म कुर्बानी के दौरान ही मिथुन चक्रवर्ती फिरोज खान से मिले थे। इस दौरान जब फिरोज ने मिथुन की ओर देखा और उन्हें देखते ही कहा कि वह हीरो क्या विलन बनने के लायक नहीं है। फिरोज खान की ये बात सुनकर मिथुन चक्रवर्ती का दिल टूट गया और वो बिना कुछ कहे वहां से निकल गए। इतना अपमान झेलने के बावजूद मिथुन ने हीरो बनने का सपना नहीं छोड़ा। काले रंग के चलते मिथुन चक्रवर्ती के लिए हीरो बनने का सफर इतना आसान नहीं था। इंडस्ट्री में काम पाने के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने बहुत पापड़ बेले, काफी स्ट्रगल किया, सड़क पर रात गुजारी, दो वक्त का खाना भी ठीक से नसीब ना होता था, लेकिन उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा। कई सालों के स्ट्रगल के बाद उन्हें लीड एक्टर का रोल मिलने लगा और फिर वो 80 के दशक के सबसे बड़े स्टार बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।